अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी कविता 10 भारत गौरव कवि मैथिली शरण गुप्त। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित भारत गौरव कविता पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानेंगे। इसके बाद उन्होंने काव्य में आर्य के बारे में बताया है। आर्य कौन थे यह भी जानेंगे और इस कविता का गान करेंगे। हिंदी साहित्य में गद्य को चरम तक पहुंचाने में जहां प्रेमचंद का विशेष योगदान माना जाता है, वहीं पद्य और कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को सबसे आगे माना जाता है। अपनी कविताओं से मैथिली शरण गुप्त ने कविता के क्षेत्र में अतुल्य सहयोग दिया है। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। श्री पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। अगर हम हिंदी साहित्य में देखें कि प्रेमचंद के बिना हम गद्य साहित्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, उनके नाटक, जिस तरह हम गद्य को अगर देखें हिंदी साहित्य में तो प्रेमचंद का विशेष योगदान है। उसी तरह अगर हम पद्य में, कविता में अगर देखें तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। वे हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को सबसे आगे माना जाता है। अपनी कविताओं से ही मैथिली शरण गुप्त ने कविता के क्षेत्र में अतुल्य सहयोग दिया है। साहित्यकार किसी भी देश या समाज का निर्माता होता है। इस मायने में मैथिली शरण गुप्त ने समाज और देश को वैचारिक पृष्ठभूमि दी, जिसके आधार पर नया दर्शन विकसित हुआ है। उन्होंने शब्द शिल्पिता ही नहीं बल्कि साहित्यकार कहलाने का गौरव प्राप्त किया है। ऐसे ही महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इनके जीवन के बारे में अगर हम जाने तो इनका जन्म लाला मदन मोहन जू 3 अगस्त 1886 चिरगांव उत्तर पश्चिम प्रांत ब्रिटिश भारत। इनकी मृत्यु December 12, 1964 78 वर्ष की आयु में। व्यवसाय कवि, राजनेता, नाटककार और अनुवादक। राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा प्राथमिक चिरगांव, मिडिल मैकडोनल हाई स्कूल। उल्लेखनीय कार्य पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्वराज्य आदि। उल्लेखनीय सम्मान अगर उन्हें प्राप्त हुआ है तो वह है सबसे महत्वपूर्ण सम्मान पद्म भूषण, जो 1954 में उन्हें मिला था। आजमगढ़ हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में शुमार रहे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख संवाहक थे। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियों में भारत भारती, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज आदि है। राष्ट्रीय उद्बोधन से भरपूर इस काव्य कृति को स्वतंत्रता आंदोलन तक ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था। हम जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं वह भारत भारती से लिया गया है। इस काव्य में हमें
आर्य के बारे में बताया गया थे, तो वे कौन थे? आर्य लगभग 1500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आए थे। उन्होंने भारत में एक बड़ी उच्च कोटि की सभ्यता स्थापित की थी। उनके शासक प्रजा की इच्छा अनुसार शासन करते थे। प्रजा जो चाहती थी वही वे करते थे, ना कि अपनी मर्जी के अनुसार। समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। समाज में वर्ण विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था, ना कि जाति पाति के आधार पर। तो वे विभाजन करते थे तो व्यवसाय के आधार पर, ना कि जाति देखते थे, ना ही पाति देखते थे। ऊंच नीच का कोई भेदभाव आर्य के समय में नहीं था। महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। लोग बहुत सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। यह प्राकृतिक शक्तियों का देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। वरुण तथा इंद्र उनके मुख्य देवता थे। वे अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। उनका आर्थिक जीवन भी समृद्ध था। कृषि तथा पशुपालन उनके मुख्य व्यवसाय थे। व्यापार वस्तुओं के विनिमय के रूप में होता था। अब हम इस काव्य का गान करेंगे। आप भी अपनी कॉपी में, किताब में मेरे साथ इस काव्य का गान करेंगे। पेज नंबर 41 पर मेरे साथ इस कविता का गान करें। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है, वह कौन भारत वर्ष है। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि को पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। अब हम अगले वीडियो में इस इकाई का आगे पठन करेंगे और इसका सारांश समझेंगे। तब तक आपको इस काव्य को अपनी कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ और टिप्पणी भी लिखना है। धन्यवाद।